योग नगरी ऋषिकेश को जीवनदायिनी गंगा का वरदान मिला है। गंगा के नैसर्गिक स्वरूप के दर्शन के लिए रोजाना हजारों पर्यटक देश भर से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि तीर्थ नगरी गंगा के इस वक्त हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर्यटक यहाँ गंगा घाटों और तटों पर घूमने के बाद कचरा यही छोड़ जाते हैं। गंगा तटों पर प्लास्टिक की बोतलें, बियर, शराब की बोतलें और अन्य गंदगी देखने को मिलती है। इसके अलावा कहीं गंदेरों की गंदगी तो कहीं नालों की गंदगी सीधे गंगा की नदी में मिल जाती है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन केवल रैली और जागरूकता के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये गंगा मैया कब साफ होगी। हर हर महादेव, जय जय गंगा मैया। दोस्तों, आज आपको गंगा जी का एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा जिसको देखकर शायद आपकी आंखों में पानी आ जाए, खून में उबाल आ जाए। दोस्तों, ये नज़ारा देख के मेरा दिल रो रहा है। ये गंगा जी के अंदर ऋषिकेश में ये नाला बह रहा है जो कि सीधा गंगा जी में मिक्स हो रहा है। ये देखिए, ये नाला, इसके एक तरफ चंद्रभागा है, एक तरफ शीशम झाड़ी है, दोनों कॉलोनी के बीच से नाला बह रहा है। दयानंद आश्रम है यहाँ पास में, ये दयानंद आश्रम है, वहां से नाला बह रहा है। दोस्तों, इसमें बहुत गंदी बदबू आ रही है, सीवर का पानी भी शायद इससे साफ हो, ऐसा यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। और ये सीधा गंगा जी में मिल रहा है जाकर। इसी गंगा जी के पानी को हम पीते हैं, इसको, इस पानी को हम अमृत मानते हैं। और यहाँ पर आपको लाइन साफ दिख जाएगी, नाले का पानी एक तरफ बह रहा है, गंगा जी का पानी एक तरफ बह रहा है। इसी पानी को हम पीते हैं, इसी पानी को हम इतना पवित्र मानते हैं, और उस पानी को ये नाला दूषित कर रहा है। और यही पानी आगे जाकर हरिद्वार में, गंगा जी में, हर की पौड़ी में, सब लोग इसी पानी में नहाते हैं। दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मेरी पोस्ट को शेयर कीजिए, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पोस्ट को जितना हो सके फैलाइए। दोस्तों, जिस गंगा जी, जो हमारी माँ है, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, उस गंगा जी में ये हो रहा है। ऋषिकेश में यहाँ से तो सारा हरिद्वार और नीचे तक ये पानी जाता है, चंद्रभागा और शीशम झाड़ी के बीच में ये नाला बह रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।